लॉस्ट बुलेट ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी है जो ओरिजिनल में फ्रेंच में आई है बट इसका इंग्लिश ऑडियो विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आपको नेटफ्लिक्स में अवेलेबल मिल जाएगी एंड इसको फ्रेंच में अलग नाम दिया गया है बैले परड्यू। हाँ बैले परड्यू ऐसा कुछ नाम है बट यार लॉस्ट बुलेट ज्यादा सही लगता है हम इंडियंस के लिए। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है लीनो की लाइफ में जो एक मैकेनिक होता है एंड वो कुछ कॉप्स के लिए काम करता है एंड उनमें से एक कॉप को वो अपना मेंटर मानता है। एक दिन उनमें से एक हरामी कॉप किसी रीजन के वजह से चेरस को मार देता है जो कि लीनो का मेंटर होता है बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज लीनो के सामने ही होता है बट जिसने चेरस को मारा होता है ना वो सारा प्रूफ रूफ सारा मतलब कि इरेज हाइड कर देता है लेकिन वहां से किसी तरह लीनो तो भाग जाता है और वो सोचता है कि इस केस को तो अब मैं ही सॉल्व करूंगा और जब वो केस सॉल्व करने के लिए निकल जाता है उसके बीच में उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना उसको क्या गजब प्रेजेंट करा गया है। मैंने शायद लीनो को एक छोटा-मोटा मैकेनिक बोल के मूवी के स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था ना आपको। जब मूवी का एंड आता है ना तो वो क्या डिजाइन करता है और उसके थ्रू वो क्या-क्या करता है ना वो देख के यू आर जस्ट गोना लव इट। एंडिंग तो यार अनएक्सपेक्टेड देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। मूवी में जो थ्रिलिंग क्रिएट करने का ट्राई करा गया है ना उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं और मूवी में जितने भी सीन्स हैं वो सच में रियल लगे एंड इसके रिगार्डिंग मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है। जब आप लोग मूवी देखते रहोगे तो स्टार्टिंग के जब 29th मिनट आता है ना तब ना एक छोटा सा ना सीन स्टार्ट होता है उसके बाद आप लोग को देखने के बाद ये लगेगा कि लीनो की औकात क्या है लीनो चाहे तो क्या क्या कर सकता उस टाइम से ना ऐसा लगेगा यार लीनो छोड़ दो सबकी। देख के ऐसा भी लगता है कि लीनो चाहे तो कौन सा हद तक जा सकता है एंड क्या चूमा लेवल का फाइट सीक्वेंस दिखाया है ना मतलब बोले तो एकदम रियल लगा है। ऐसा नहीं कि यार मतलब यहां से पकड़ रहा मार दे रहा ये उड़ के फेंका गया ऐसा नहीं एकदम रियल रखा गया और साथ में जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था ना एकदम लो एकदम प्यारा था मतलब एकदम सूट कर रहा था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूजिक इतना डैशिंग वाला था इतना रॉकिंग वाला था उसके वजह से फाइट सीक्वेंस से मजा आ रहा था नोप एकदम इसका जो रियलिटी वाली जो फील दे रही थी ना उससे मजा आ रहा था इसका फाइट सीक्वेंस। अगर मैं इसकी स्टोरी लाइन की बात करूं तो हाँ ये मुझे बेसिक लगा एंड मुझे उतना इंप्रेस नहीं करा क्योंकि जो स्टोरी है वो प्रेडिक्टेबल हो जा रही थी किसी किसी जगह पर लेकिन जो उसको स्टोरी बनाने में जो जो एलिमेंट्स यूज करे गए हैं इस मूवी में वो काफी 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 ज्यादा बेस्ट था। मूवी के बीच में आपको 15-20 मिनट के लिए ऐसा लग सकता है कि हाँ मूवी थोड़ी स्लो हुई है बट उसके अलावा मूवी में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मूवी जो चलता है ना 1.5 घंटे की मूवी में जो इन्होंने दिखाने का ट्राई करा गया है वो बहुत ही बेस्ट है और अब ये मूवी देखना चालू करोगे तो कब 1.5 घंटा मतलब पार हो जाएगा पता नहीं चलने वाला। अब 15-20 मिनट तो चलता है यार इतना तो हो गई। अब इस मूवी को डायरेक्ट करे हैं गुई लियाम पियरेट। बहुत टफ है इनका नाम बट इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने फाइट सीक्वेंस डिजाइन करा है एंड जितने भी अदर सीक्वेंस की मैं बात करूं सारे सीक्वेंस ने तो मेरा दिल ही जीत लिया एंड जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो ऑसम है मतलब एकदम जैसा सीन था वैसे एकदम सूट कर रहा था। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूं तो हाँ गाइस ये सही है मूवी एकदम देखने लायक है। जो 1.5 घंटे में इन्होंने दिखाने का ट्राई करा गया वो भी काफी सही है। 1.5 घंटा कब निकल जाता पता नहीं चलने वाला तो ये आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अब मेरे को ये बताना कि जो लॉस्ट बुलेट है उसका रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा और ये वीडियो जेन्युइनली आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना वीडियो को नीचे कमेंट करके बताओ आप लोग का एक्सपीरियंस। अगर आपने लॉस्ट बुलेट नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देखो और मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये कैसी लगी और ज्यादा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जानी चाहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।